पाकिस्तान में 80,000 किलोग्राम पैदावार फी एकड़ और पाकिस्तान में ऐसे बीज मौजूद थे। तो डॉक्टर साहब ये बहुत अमेज्ड चीज़ है कि 80,000 किलो, दिल नहीं मान रहा कि कैसे पॉसिबल है सर। जब जी हमने आज से कोई 20 साल पहले ये फार्मिंग शुरू की तो उस वक्त देसी खीरे जो कि लोकल टाइप्स थी वो उगाए जा रहे थे और उनकी ज़मीन के ऊपर जो पैदावार थी वो तकरीबन कोई 1,000 से लेके कोई 2,000 शॉपर निकलते थे। आप उनको समझ लें कि उनकी 4 टन के लगभग पैदावार थी जो कि बहुत कम थी। तो उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड्स आए और उसके बाद हमारे पास पार्थिनोजेनिक हाइब्रिड्स आए और उसके बाद हमने इनको टनल्स में लटकाना या हैंग करना शुरू किया और आज हम 1 एकड़ से 1600 बोरी प्रोडक्शन लेते हैं और वो 1600 बोरी जो है वो 50 kg की राउंड अबाउट होती है। तो इसका मतलब है कि 80,000 किलो 80 टन्स प्रोडक्शन जो है वो 1 एकड़ से मुमकिन है। वाओ, अमेजिंग। तो साहिब साहब ये बताएं कि ये क्या सीड की खसूसियत हैं या ये फार्म मैनेजमेंट है और सीड की क्या क्वालिटी होती है जो 80,000 किलो प्रोडक्शन दे देती है। कोई भी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमेशा कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारी चीज़ों का, अच्छी खादें, अच्छी मैनेजमेंट, हर वक्त हर चीज़ का इस्तेमाल करना, कब उसकी पॉलिनेशन होनी है, कब उसको आपने फर्टिलाइजर का प्लान देना है, कब आपने कीड़े से उसको बचाना है और सबसे अहम बात आप ये सारी एफर्ट जो कर रहे हैं वो किस बीज पे कर रहे हैं। अगर आपका बीज इस काबिल नहीं है कि वो पैदावार दे सके तो अभी जो हमारे पास सीड्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर वो पार्थिनोजेनिक हाइब्रिड्स हैं जिनको नर और मादी की ज़रूरत नहीं होती है, वो मादी फूल ही अपने अंदर नर रखता है। ये एपोगेमी की एक टाइप है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आम किसान के लिए इसको नर मादी की ज़रूरत नहीं है, जो फूल लगेगा वो लाजमी तौर पर खीरे के अंदर और मीठे खीरे के अंदर कन्वर्ट होगा। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने मीठे खीरे की बात की, हम तो वो खीरा देखते थे बचपन में, यूँ काटते थे उसमें से जाग निकालते थे और वो फिर कुछ उसमें कड़वे होते थे ऐसे। तो ये क्या आज के सीड में क्या उसकी ज़रूरत नहीं है या इसको मॉडिफाई किया गया, ये क्या वजह है? माजी में जी हम जो देसी खीरा लगाया करते थे उसको यूँ काटते थे और काटने के बाद उसको यहाँ पे रगड़ते थे और रगड़ने के बाद एक झाग सी निकलती थी। असल में ये मिथ थी, पुरानी चली आ रही और इसमें कोई इतना झूठ या गलत भी नहीं था। खीरे के अंदर एक जहर होता है जिसको कुकरबिटेसन साल्ट कहते हैं जो कि कड़वाहट रखता है, कड़वा होता है और वो जहरीला भी होता है। हर 100 में से तकरीबन कोई 20 खीरे जो थे वो कड़वे निकलते थे और वो कड़वाहट या वो जहर इतना खौफनाक हुआ करता था कि अगर 10 कड़वे खीरे जो है वो घोड़े को भी खिला दें वो मर जाता था और अगर एक खीरा ह्यूमन खाता था तो वो बेहोशी की हालत में चला जाता था। तो कड़वे खीरे को मीठा करने के लिए उस वक्त एक कॉन्सेप्ट ये था, चूँकि वो जो जहर था या वो साल्ट जो था वो इसके टिप्स पे या आखिरी हिस्सों पे ज़्यादा मरकूज़ होता है, तो हम इसके टिप्स को काटते हैं और झाग निकालते हैं ताकि जो कुछ साल्ट थोड़ा बहुत मौजूद भी है वो वहाँ से वाश आउट हो जाए, वो वहाँ से निकल जाए। तो ये मिथ इतनी गलत नहीं थी। लेकिन अभी जो आजकल हमारे पास लेटेस्ट वराइटीज़ मौजूद हैं, इन वराइटीज़ में उस जीन को म्यूट कर दिया गया है, उसको खामोश कर दिया गया है। आज के खीरे में इसमें कोई भी खीरा, इसमें जहर आई नहीं है जी। और आप इसको खीरे को इसके पील समेत, पील ऑफ किए बगैर आप इसको खा सकते हैं, उतना ही मज़ेदार है, उतना ही टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खाल के अंदर मौजूद कितनी ज़बरदस्त मुफीद चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी अब बॉडी को बड़े साफ जरूरत होती है। डॉक्टर साहब 80,000 किलो पैदावार बहुत अमेजिंग है, क्या क्या वो फार्म प्रैक्टिस है जिसको लेके हमारा फार्मर जो है ना इस पैदावार के ऊपर जा सकता है? इलम, नॉलेज। आप अपने काम को करने से पहले स्किल ले लें, अपना नॉलेज ले लें। अगर नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह पे मार खाएंगे। नंबर वन, आपने बेहतरीन बीज लेना है, आपने ज़मीन की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त करनी है। उस ज़मीन के अंदर आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है पोटाश और फास्फोरस की मिकदारें डालनी है, ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में फास्फोरस डालनी है, कम मिकदार में, दरमियानी मिकदार में आपने पोटाश डालनी है और बिल्कुल कम मिकदार के अंदर आपने नाइट्रोजन डालनी है। ये शुरू की डोजेज हैं जो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालना है। फिर आपने इसके ट्रेस एलिमेंट्स, ख़ास तौर पे मैं उन काश्तकारों को कहूँगा जो अक्सर कहते हैं कि मेरी पौधा उगा और उगने के बाद उसमें ताकत नहीं है, तो भाई आपने 16 एलिमेंट्स पूरे करने हैं। आपने ट्रेस एलिमेंट्स सुल्तान जो है वो इस्तेमाल करने हैं। जहाँ भी कभी आप सुल्तान ट्रेस एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके खीरे की पैदावार या कोई भी सब्ज़ी की पैदावार जो है वो कहीं की कहीं बढ़ जाएगी। ये 16 एलिमेंट्स आपने पूरे करने हैं। 3 एलिमेंट कुदरत के हाथ में है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये अल्लाह पाक ने हवा में, पानी में और मिट्टी में रखे हुए हैं। बकिया 13 एलिमेंट्स को आपने पूरा करना है। आखिरी चीज़ इसमें जो है, अगर आपने कीड़े को आने के बाद स्प्रे शुरू किया
तो वो उस वक्त तक आपकी फसल को 5-10% डैमेज कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कीड़े का अटैक कौन सा है और किस महीने में शुरू होता है। फरवरी में कौन सा कीड़ा आता है, मार्च में कौन सा आता है, अप्रैल में कौन सा आता है, रात के वक्त इस टनल में कौन सा अटैक करता है और दिन के वक्त कौन सा अटैक करता है, इस टेम्परेचर पर जाके कौन सा कीड़ा अंडे और बच्चे देना शुरू करता है, जो भी कीड़े का प्लान है वो आपने वक्त पे टाइम पे अपने शुरू करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1600 बोरी एक एकड़ से पैदा करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। 80,000 किलो खीरा पैदा करना, इस कलर का खीरा पूरी दुनिया में डिमांड किया जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सेल इसकी है। इसको हम आम तौर पे इस खीरे को हम टेबल क्यूकम्बर के नाम से जानते हैं। इसमें और बहुत सारी किस्में हैं, स्लाइसिंग क्यूकम्बर्स भी मौजूद हैं, पिकलिंग क्यूकम्बर्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में उगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मांग जो है वो इस साइज़ के खीरे टेबल क्यूकम्बर की है।